जीडीए बोर्ड की 24 अगस्त को अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न होगा, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि गोरखपुर शहर की महायोजना बनकर तैयार हो गई है, जिसको लेकर 24 अगस्त को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक की जाएगी, जिसके बाद भी नागरिकों के पास एक महीना रहेगा। उस एक महीने के अंदर कोई भी नागरिक अपना सुझाव दे सकता है, उसके सुझाव पर भी विचार किया जाएगा। लगभग एक महीने के बाद महायोजना को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि महायोजना को 25 लाख जनसंख्या के आधार पर बनाया गया है। पिछली बार 9 लाख जनसंख्या के आधार पर बनाया गया था। इसमें नागरिकों के फायदे की बहुत सी चीजें हैं, जिसका लाभ लागू होने के बाद लोगों को मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जो शहर की महायोजना है वो बन के तैयार हो गई है इसकी, और इस संबंध में 24 तारीख को बोर्ड की बैठक है और बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा, उसके बाद वो पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। उसके बाद भी पब्लिक के पास मौका रहेगा एक महीने का अपना सुझाव देने का, तो जो भी वो सुझाव देंगे उसको इसके इनकॉर्पोरेट भी किया जाएगा। तो 24 के बाद मुझे लगता है कि एक महीने यानी 25 सितंबर के आसपास ये लागू हो जाएगा। सर किन किन चीज़ों को रखा जाएगा? नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी यहाँ शहर की समस्याएं हैं, जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में लोगों ने सुझाव दिए थे। खासकर शहर का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, तो जब पिछले बार महायोजना बनी थी तो वो 8-9 लाख के हिसाब से बनी थी, अब उसको 25 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया गया है। तमाम यहाँ कॉलोनियाँ हैं जो कि रेगुलाइज नहीं हुई थी, तो उसका भी इसमें प्रोविज़न किया गया है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जब 24 को ये बोर्ड में रखा जाएगा तो वो पब्लिक के लिए ओपन होगा, तो उसमें और भी बिंदु स्पष्ट हो जाएंगे।